चलिए स्टार्ट है। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, जो कल शाम को टेलीग्राम पर टेस्ट हुआ था रात के 9 बजे जो प्रतिदिन होता है, उसमें 575 लोगों ने यानी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। जिसमें पहले स्थान पर हैं कमलेश कुमार जो 23 नंबर लाए हैं, कमलेश कुमार हैं, ठीक है। दूसरे स्थान पर हैं अपूर्णा सिन्हा है, ठीक है, जो 22 नंबर लाए हैं। और तीसरे स्थान पर है सुरेश साहू, इनका भी 22 नंबर है। और चौथे स्थान पर है गौतम कुमार, इनका भी 22 नंबर है। और पांचवें स्थान पर भी कोई गौतम कुमार ही है, इनका भी 22 नंबर है, ठीक है। तो आप जो भी हैं अपना पूरा नाम लिखिएगा, ताकि जो साइंस की अगली वीडियो आएगी उसमें भी आपका भी नाम लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक था वर्क एनर्जी और पावर, ठीक है। तो वर्क एनर्जी और पावर आज का टॉपिक था। तो इधर ग्रुप नंबर ए से पहला सही सवाल होगा कि किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। आप बताइए, कार्य होने के लिए दो शर्त कौन कौन से हैं? बताइए, विस्थापन। कार्य होने के लिए दो शर्त कौन कौन से हैं? विस्थापन होना चाहिए उसमें। और एक और बताइए, थीटा कौन से इधर से आइए, गलत है, बताइए। बल, एक तो बल होना चाहिए, एक विस्थापन होना एक है। कार्य होने के लिए, किसी भी कार्य होने के लिए दो चीज आवश्यक है, जो एक है बल लगना चाहिए उस पर, और दूसरा क्या है, विस्थापन होना चाहिए, ठीक है। बताइए, यदि बल के दिशा में विस्थापन होगा तो क्या कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा, ठीक है। और बल के यदि विपरीत दिशा में अगर कार्य होगा तो क्या होगा? ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक कब होगा बताइए, कितना डिग्री कौन बनेगा? 180 डिग्री। जब 180 डिग्री का कौन बनेगा तो कार्य ऋणात्मक होगा, ठीक है। और जब 90 डिग्री का कौन बनेगा तो क्या होगा? कार्य शून्य होगा, कोई कार्य नहीं किया जाएगा, कार्य शून्य हो जाएगा, ठीक है। बताइए, इसका कार्य का ऐसा मात्रक क्या है? जूल। जूल जूल है, ठीक है। बताइए, यह कैसी राशि है? कार्य एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, ठीक है। बताएंगे, इधर से क्वेश्चन होगा कि कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? W=FS cos थीटा होता है, जो न्यूमेरिकल इस पर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, W=FS cos थीटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इधर से होगा, क्या गया कार्य क्या क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। जब बल लगाएंगे और अगर विस्थापन के दिशा में कार्य होता है तो वह धनात्मक होगा, ठीक है। और जब विपरीत होगा तो ऋणात्मक होगा, और जब 90 डिग्री होगा तो कोई कार्य नहीं होगा, कार्य शून्य हो जाएगा, ठीक है। इधर से बताएंगे, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की सक्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। इधर से बताएंगे, ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक क्या है? जूल है, ठीक है। बताइए, सीजीएस मात्रक क्या है ऊर्जा का? डाइन। डाइन गलत है, बताइए, अर्ग है। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या है? अर्ग है, ठीक है। इसमें देखिए, यहाँ पर कंफ्यूजन भी दे सकता है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता देगा या फिर सक्षमता देगा तो ऊर्जा ही होगा, ठीक है। और यहीं पर दे देता है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर शक्ति होगा। वहां पर आप ऊर्जा नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि सेम है, इसमें सिर्फ क्षमता लिखा और उसमें सिर्फ दर लिखा रहता है। इसको बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान रखिए, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एएलपी में इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन जो है फंसा फंसा करके पूछा है, ठीक है। इधर से बताएंगे, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, नाम बताइए कौन कौन सी। गतिज ऊर्जा होती है और स्थिति ऊर्जा होती है, ठीक है। बताइए, गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर, वो तो उसका सूत्र हो गया, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, बिल्कुल पढ़ के रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, ठीक है। बताइए, गतिज ऊर्जा की परिभाषा क्या है? मतलब गति कोई करती वस्तु जो ऊर्जा अपने किसी वस्तु में अगर कोई गति है तो वह गतिज ऊर्जा का सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। बताइए, बहती हुई हवा में कैसी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है, ठीक है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला बता सकते हैं? हाँ, पी स्क्वायर बटा 2m, ठीक है। पी स्क्वायर बटा 2m भी होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, और इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं। जहाँ जो न्यूमेरिकल आते हैं
उन सभी फॉर्मूला को मैं आपको पहले ही इंडिकेट करता हूँ कि यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, तो आप उसको जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। इधर से बताएंगे स्थितिज ऊर्जा क्या है, मतलब कण का ऊर्जा स्थित है। जब कोई वस्तु स्थिति में अपना स्थिति में एक जगह हो तो उसमें संचित ऊर्जा ही स्थिर ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दूसरे भाषा में इसको हम बोल सकते हैं कि विन्यास में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का लाइन है कि विन्यास में परिवर्तन के कारण जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होगा बताइए, पीई जो पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, इसका सूत्र होता है एमजीएच। इस पर तो बहतेरे न्यूमेरिकल आया है, एएलपी उठा लीजिए, ग्रुप डी उठा लीजिए, जेई उठा लीजिए, सभी में न्यूमेरिकल पूछे गए, एनटीपीसी उठा लीजिए, सभी में आए न्यूमेरिकल। ठीक है, बताइए तनी हुई गुलेल में कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। बिल्कुल सही है, तनी गुलेल को आप अगर तान के रखते हैं तो इतना ही पर है, यानी हम कान तक खींच के रखते हैं तो इतना ही पर, इसका मतलब क्या, उसमें स्थिति जब छोड़ देंगे तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। बताइए स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा ही है, आपने स्प्रिंग देखा होगा, जैसे बाइक के जो स्टैंड होते हैं उसमें लगे होते हैं, साइकिल के स्टैंड में भी लगे होते हैं, जब वो नॉर्मल है तो स्थितिज में है, जब उसको हम खींचेंगे तो वो स्थितिज से गतिज में आएगा, फिर छोड़ेंगे अपने आप चला जाएगा। उसके बाद उसका उदाहरण जो प्रत्यास्था में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है कि जैसे आप किसी को वस्तु को खींचते हैं और वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है तो वो प्रत्यास्था का रूप ले लेता है। ठीक है, इधर से बताएंगे क्वेश्चन है अब आपका कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा ना तो नष्ट किया जा सकता है ना बनाया जा सकता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ठीक है, ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है, ना इसको नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसको बनाया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का एक नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इधर से बताएंगे रूपांतरण से पहले और रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत रहता है, नियत रहती है, सदैव जो है कांस्टेंट रहती है। अच्छा, रूपांतरण के पहले और रूपांतरण के बाद जो है हमेशा ऊर्जा अचर रहती है, कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है, एक ही बात हुआ। ठीक है, बताइए ऊर्जा संरक्षण के नियम को क्या गणितीय रूप में परिभाषित कर सकते हैं, नहीं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है बताइए, प्रयोगात्मक है, मतलब प्रयोग करके पता किया गया, सार्वभौमिक नियम है, यह प्रयोगात्मक सार्वभौमिक नियम है ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है। ठीक है, इसको गणितीय रूप में हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं। इधर से बताएंगे किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा होता है। और ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है जिसको लगभग 50-60 बार पूछा गया है ग्रुप डी में, प्रीवियस ईयर आप उल्टा के देख लीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा, या फिर इसी को आगे पीछे घुमा फिरा करके एएलपी ग्रुप डी में 50-60 क्वेश्चन इसी से आए हुए हैं। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखिए। इधर से बताएंगे विद्युत बल्ब जो है कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करती है, मतलब विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, बताइए डायनमो, डायनमो किस ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को डायनमो जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है। बताएंगे इधर से स्पीकर किस ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करती है, विद्युत को ध्वनि में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। ठीक है, स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, बताएंगे इधर से क्वेश्चन होगा गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गुरुत्व बल के विरुद्ध जो संचित ऊर्जा है वह स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, इधर से बताएंगे बल हमेशा किस ओर लगता है, बल कौन सा, गुरुत्व बल की कैसा बल, वही बल हमेशा किस ओर लगता है, कोई भी बल किस ओर लगता है हमेशा, उसकी दिशा क्या होती है हमेशा, धनात्मक, उसकी दिशा हमेशा नीचे की ओर होती है, कोई भी बल जो है लगता है वो हमेशा नीचे की ओर लगता है। ठीक है, और भार कह सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, ये इसको हम उठाते हैं तो हम गुरुत्व बल के विरुद्ध में उठा रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही छोड़ देंगे तो ये गिर जाएगा, तो गुरुत्व बल के विरुद्ध में जब हम इसको उठाएंगे, ठीक है, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इसमें, इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, इसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है,
चलिए अगला पेज है हमारा पावर का है, यानी शक्ति शुरू होता है। बताएंगे शक्ति की डेफिनेशन क्या है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं या फिर ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं, दोनों में से कोई भी लिखा आ सकता है। दर रहेगा, आप हमेशा ध्यान रखिए शक्ति लीजिएगा, और ऊर्जा रहेगा या फिर सॉरी यानी क्षमता रहेगा और सक्षमता रहेगा, तो ऊर्जा इसका आंसर होगा। ठीक है, इधर से बताएंगे शक्ति बराबर क्या फॉर्मूला होता है। डब्ल्यू बाई टी होता है, यानी पावर इजकल टू वर्क बाय टाइम होता है। ठीक है, बताइए इसकी एसआई मात्रक क्या है। जूल पर सेकंड। शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड है, जिसे वाट कहा जाता है, और ये जो वैज्ञानिक थे जेम्स वाट, उन्हीं के सम्मान में ये रखा गया था। ठीक है, बताएंगे एक वाट का मान कितना होता है। एक वाट का मान एक जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है, एक वाट का मान एक जूल प्रति सेकंड होता है। इधर से बताएंगे ऊर्जा स्थानांतरण को सॉरी ऊर्जा स्थानांतरण की उच्च दरों को किसमें व्यक्त किया जाता है। किलोवाट आवर, यानी हाई वोल्टेज को किसमें व्यक्त किया जाता है, तो किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। सही है, बताइए एक किलोवाट का मान कितना होता है। 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट का मान 1000 वाट होता है, या फिर 1000 जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है, 1 किलोवाट का मान 1000 जूल प्रति सेकंड होता है, या फिर 1000 वाट होता है। इधर से बताएंगे जूल जो है ऊर्जा की कैसी मात्रक है, कैसी इकाई है। जूल ऊर्जा एसआई देंगे। ठीक है, एसआई इकाई है, लेकिन कैसी है बताइए। बहुत छोटा इकाई, बहुत ही छोटी इकाई है जूल ऊर्जा की, बहुत ही छोटी इकाई है। ठीक है, बताएंगे इसकी बड़ी इकाई क्या है। किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की बड़ी इकाई है। बताइए 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। 3.6 × 10⁶। बिल्कुल सही है, 3.6 × 10⁶ जूल होती है ऊर्जा की इकाई। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा जो होता है उसका मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। बताइए घरों में जो व्यय होने वाली ऊर्जा है उसको किस में व्यक्त करते हैं। यूनिट में व्यक्त करते हैं, जैसे मान लीजिए घर में हो गया, उद्योग में हो गया, व्यावसायिक प्रतिष्ठान में हो गया, यानी सभी जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगती हैं उनमें जो ऊर्जा खपत होती है उनमें यूनिट के रूप में मापा जाता है इसको। ठीक है, बताइए 1 यूनिट का मान कितना होता है। वही 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर होता है 1 यूनिट का मान, सही जवाब है। बताइए विद्युत उत्पादन केंद्रों में उत्पादित बिजली को मापने के लिए बड़ा मात्रक कौन सा है। मेगावाट है, यानी विद्युत उत्पादन जो कंपनी है, जो जैसे आप देखते होंगे करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, जैसे 100 मेगावाट का जो है तैरता हुआ सोलर फ्लोटिंग पावर जो है तेलंगाना में लगाया गया है, तो जो बड़ा बड़ा है ना जिसमें बिजली का है उसमें मेगावाट का यूज किया जाता है। ठीक है, इधर से बताएंगे 1 मेगावाट का मान कितना होता है। 10⁶ वाट होता है, 10⁶ वाट होता है 1 मेगावाट का मान। ठीक है, इधर से बताएंगे अगला क्वेश्चन होगा द्रव्य का डेफिनेशन दीजिए। मैटर क्या है जो जिसके पास एक द्रव्यमान हो और जो कोई स्थान घेरता हो। बिल्कुल सही है, जो स्थान घेरता हो और जिसके पास द्रव्यमान हो वह पदार्थ द्रव्य कहलाता है, यानी मैटर कहलाता है। ठीक है, बताइए भौतिक आधार पर वर्गीकरण करने पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस होते हैं। ठीक है, बताइए द्रव और गैस का गुण क्या है। संपीड़न सघनता, एक है तरलता भी है, तरलता भी कह सकते हैं। जो प्रवाहित होती है द्रव और गैस जो है हमेशा प्रवाहित होती है, गैस भी जो है लिक्विड के रूप में ही रहता है। ठीक है, लेकिन द्रव का क्या है कि द्रव को जो हम किसी में रखते हैं, जैसे मान लीजिए एक बाल्टी है उसमें अगर हम पानी रखते हैं तो उसका लिमिट है कि वो इतना तक आएगा। ठीक है, लेकिन गैस को जब हम रखेंगे तो वो पूरा अंदर का जितना भी क्षेत्र है वो सभी पर दबाव डालती है और पूरे में फैल जाती है। एक सिलेंडर जो 14 किलो का आता है, 14 किलो कुछ आता है, उसमें आप 5 किलो भी रखिएगा तो भी वो पूरा ही फैलेगा, और 14 रखिएगा तो भी वो पूरा ही फैलेगा। ठीक है, फर्क इतना ही है। बताइए ठोस क्या है। जिसका एक निश्चित आकार और आयतन होता है। जिसका एक निश्चित आकार और आयतन होता है, सीधी शब्दों में है कि उसे ठोस कहते हैं। ठीक है, बताइए ठोस पदार्थ का यांत्रिक गुण क्या है। प्रत्यास्था है। ठोस पदार्थ का एक यांत्रिक गुण क्या है। प्रत्यास्था है, बिल्कुल सही जवाब है। प्रत्यास्था को इंग्लिश में इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी कहते हैं। बताइए प्रत्यास्था क्या है।
उसका डिफिनेशन क्या है? इलास्टिसिटी प्रस्थता, मतलब खींचने पे वापस अपनी पोजीशन पे। बिल्कुल सही है। किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पर आरोपित बल को हटाने पर, यानी जब उसको खींचते हैं और छोड़ देंगे तो पुनः अपनी स्थिति में आ गया, उसी का डेफिनेशन रूप दिया हुआ है कि हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं या फिर प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक है, इधर से बताएंगे, ठोस के बीच कौन सा बल कार्य करता है? अंतर आणविक बल काम करता है या फिर अंतर परमाणविक बल भी काम करता है, जो एक दूसरे को खींच करके रखता है। ठीक है, इधर बताएंगे, प्रतिबल का डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेस, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया तो सही है, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यान बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, किधर रख दिए? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले जो प्रत्यान बल है उसको प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, चलिए इधर से बताएंगे, प्रतिबल का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। इसका एक और मात्रक बता सकते हैं? प्रतिबल का। हाँ, न्यूटन प्रति मीटर। प्रतिबल का एक और मात्रक बता सकते हैं? पास्कल। पास्कल सही जवाब है। प्रतिबल का एक और मात्रक क्या है? पास्कल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा ग्रुप नंबर बी से ही, विकृति का डिफिनेशन क्या है? एस्ट्रेन, जिसको बोलते हैं एस्ट्रेन। विकृति मतलब टूटना। बताइए, जब किसी वस्तु को हम उस पर आघात पैदा करेंगे तो वो टूट जाएगा। वस्तु के एकांक आकार में होने वाले परिवर्तन, यानी जब उसका आकार जो बदल जाता है ना, जैसे वो विकृत हो जाता है, यानी तो उसको विकृति बोलते हैं। ठीक है, आपसे ही क्वेश्चन होगा, बताइए विकृति का ऐसा मात्रक क्या है? विकृति का ऐसा मात्रक न्यूटन। बताइए, इधर ध्यान दीजिए, इसका कोई नहीं होता, कोई इसका कोई बीमा नहीं होता, मात्रक नहीं होता। को बोलना नहीं था ना, चुपचाप रहते ना। मात्रक और विकृति का कोई बीमा नहीं होता, यह एक तुलना है, इसका कोई मात्रक को बीमा नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इधर से ही होगा, बताइए प्रतिबल किसके समानुपाती होती है? समानुपाती, हाँ, एफ अपॉन ए। वो तो बता दी आपने, प्रतिबल आप एफ अपॉन ए होता है। ठीक है, विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, प्रतिबल जो है विकृति के समानुपाती होता है। बताएंगे प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, सही है। और इसका एक और मात्रक बताइए? वही पास्कल। पास्कल ही है, सही जवाब है। बताएंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं? ये छोटा छोटा डिफिनेशन है जो पूछा जाता है बार बार। प्रतिबल, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, बताइए आप इसको। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टा अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यानी यंग मेडुलस कहते हैं। ठीक है, इधर से ही क्वेश्चन होगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक पदार्थ में क्या दर्शाता है? पदार्थ में क्या दर्शाता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है वह पदार्थ में क्या दर्शाता है? मतलब कितना ज्यादा प्रत्यास्थ है, वही दर्शाता है कि कितना ज्यादा यह कठोर है। ठीक है, कठोरता को दर्शाता है। बताइए इधर से क्वेश्चन होगा, धातुओं का यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? अधिक होता है। अधिक होता है, सही जवाब है। धातुओं का यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है अधिक होता है। बताइए सबसे अधिक यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसका होता है? सबसे अधिक कार्बाइन का। बिल्कुल सही है, कार्बाइन का होता है। ठीक है, बताइए सबसे कम यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसका होता है? रबर। रबर इसका सही जवाब है, जिसमें सबसे कम यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। बताएंगे इधर से, ठोसों में सबसे कम होगा ना रबर का, वैसे तो गैस वगैरह आ जाएगा। ठोस में नहीं, सही है, रबर का जो है सबसे कम होगा ठोस में, बढ़ते क्रम दिया हुआ है। चलिए इधर से बताएंगे, फ्लूड क्या है, यानी तरल क्या है? जो प्रवाहित हो। ठीक है, वे पदार्थ जो प्रवाहित होते हैं तरल कहलाते हैं। ठीक है, बताइए तरल के उदाहरण दीजिए कोई। वातावरण, पानी, पानी, तेल। आप कोई माध्यम का उदाहरण दीजिए तरल का। हाँ, गैस। ठीक है, गैस सही है, और द्रव भी है। गैस द्रव क्या है? एक तरल का माध्यम है। बताएंगे द्रव का डेफिनेशन क्या है? द्रव का, जिसका निश्चित आयतन हो, नहीं होता, मतलब आयतन बदलता रहता है, आयतन बदलता रहता, वो जिस पात्र में जाएगा उसी का आकार वो ले लेगा। वो तो गैस का हो गया, नहीं नहीं तरल का, तरल का भी है। वही तरल हो गया ना, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, द्रव का पूछ रहा ना। ओ, द्रव ठोस।
मतलब आयतन निश्चित होता है लेकिन मतलब देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन में कैसे फंस जाते हैं लोग। आयतन आकार अनिश्चित और ना आयतन निश्चित होता है। देखिए बिल्कुल सही जवाब आया लेकिन इतना फंसने के बाद आया इसलिए कहते हैं कि छोटा क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस करिए ही नहीं। छोटा क्वेश्चन है उसको और पढ़िए जबरदस्ती इसको पढ़िए क्योंकि वो ही मिस होगा बार बार। कितना छोटा सा क्वेश्चन है देख लीजिए कि द्रव का क्या होता है। तो द्रव में आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है इतना सा क्वेश्चन में कितना समय लग गया। ठीक है यही क्वेश्चन मेरिट बनाएगा आपको। और गैस जो है वो कुल आयतन को भर देती है उसका कोई आकार नहीं होता है कोई आयतन नहीं होता है। ठीक है आयतन होता है जो द्रव के अंदर आता है द्रव आयतन होता है लेकिन आकार नहीं होता है वो पूरा बर्तन को भर देती है यानी पूरा आयतन को भर देती है। ठीक है इधर से बताएंगे अणु क्या है। पदार्थ के सबसे छोटे कणों से जो मिलकर बनता है उसे अणु कहते हैं। ठीक है बताइए अणु के बीच कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं। अंतरणु बल। ठीक है अंतरणविक बल कहते हैं। अणु के बीच कार्य करने वाले बल को अंतरणविक बल कहते हैं। बताइए ये कितने प्रकार के होते हैं। अंतरणविक बल कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नाम बताइए। ससंजक बल असंजक बल। ठीक है अंतरणविक बल जो है दो प्रकार के होते हैं वो ससंजक बल होते हैं और असंजक बल होते हैं। लगता है आज लाइन भी नहीं कटा है जब से हमने इन्वर्टर लगा दिया है तब से शायद लाइन भी नहीं कट रहा है। देखिए कट भी जाएगा तो बोल देंगे। इधर से बताएंगे ससंजक बल का डेफिनेशन क्या है। ससंजक बल कोहेसिव फोर्स। बताइए जो आपस में चिपक जाए। गलत जवाब। बताइए दो अणुओं के बीच गलत है। विपरीत प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को कहते हैं। गलत है आपका भी यानी समान प्रकार के जो होगा ना उसके बीच लगने वाले को ससंजक बल कहते हैं। ठीक है ससंजक पूछेगा ससंजक पूछा था आपने मैंने आपसे यानी एक ही फिर आपने कोहेसिव बोल दिया ना। यही तो बोला कोहेसिव ससंजक बल। ठीक तो है क्या दिक्कत है एडहेसिव पूछेंगे तब तो असंजक बल होगा ना। कोहेसिव ससंजक बल है और एडहेसिव होगा तब असंजक बल होगा। ठीक है यानी एक ही पदार्थ के एक ही प्रकार के पदार्थ यानी परमाणु से एक ही पदार्थ के अणु से जो मिलता है वो ससंजक बल होगा जो विभिन्न प्रकार का होगा वो असंजक बल हो जाएगा। ठीक है बताइए द्रव की बूंदें आपस में संपर्क में आती हैं किसी कारण। ससंजक बल के कारण होती है क्योंकि वो सेम होते हैं इसलिए आपस में आ जाते हैं। ठीक है बताइए अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु बर्तन आदि का जल से भीगना किसका उदाहरण है। ससंजक असंजक बल का है क्योंकि वो एक जाति का नहीं होता है एक कास्ट का नहीं होता अलग अलग होता है। ठीक है उनके घर वाले नहीं मानते। हाँ उनके घर वाले नहीं मानते। बताइए इधर से क्वेश्चन है ब्लैकबोर्ड और चौक के कणों के बीच कौन सा बल होता है। असंजक बल। असंजक बल होता है ब्लैकबोर्ड और चौक के बीच। अब तो खैर ब्लैकबोर्ड का जमाना नहीं रहा शायद स्कूल में ही जो मिडिल स्कूल हो गए या फिर जो स्कूल है उनमें ही है बस और कहीं तो नहीं देखने को मिलेगा। ब्लैकबोर्ड जो उस पर लिखते हैं ना खल्ली से जिसको बोलते हैं उससे लिखते हैं वो असंजक बल के कारण ही लिख पाते हैं नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। तो वो भी खत्म हुआ तो प्रोजेक्टर लग रहा है। अब तो प्रोजेक्टर भी लग रहा है बहुत सारे जगहों पर। चलिए इधर से बताएंगे क्वेश्चन है अगला द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ेगा। पृष्ठ तनाव कम जाएगा। आपसे नहीं पूछा गया था इधर का क्वेश्चन था। दोबारा बोलिए द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या परिवर्तन होगा। कम हो जाएगा। उसका मान जो है पृष्ठ तनाव का कम हो जाएगा। बताइए पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या है। पृष्ठ तनाव का न्यूटन मीटर। बताइए न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है न्यूटन प्रति मीटर है या जूल प्रति मीटर स्क्वायर है। फिर सुन लीजिए पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर है या जूल प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है बताइए किसी द्रव के अणुओं के बीच कौन सा बल कार्य करता है। ससंजक। आपसे नहीं पूछा गया था फिर आप ग्रुप पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं। इधर का क्वेश्चन था किसी द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बल कार्य करता है सही जवाब है। ठीक है अब इधर से बताएंगे पृष्ठ जो है सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल में रहने का प्रयास करती है यह प्रवृत्ति क्या कहलाती है। पृष्ठ तनाव कहलाती है। ठीक है फिर से सुन लीजिए पृष्ठ जो है सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल में ही रहने का प्रयास करती है तो वह पृष्ठ तनाव कहलाती है। ठीक है इधर से बताएंगे साबुन अथवा डिटर्जेंट को जब जल में मिलाते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या होगा। पृष्ठ तनाव उसका कम जाता है। कम हो जाएगा। ठीक है पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब है।
और जब पृष्ठ तनाव कम होगा तो क्या होगा बताइए। मान लीजिए हम अपना ये शर्ट धो रहे हैं, ठीक है, और पानी में हमने डिटर्जेंट मिला दिया, पृष्ठ तनाव कम हो गया, उसके बाद क्या होगा बताइए। अच्छे से धुलेगा, मतलब जो जहाँ तक वो पानी नहीं पहुँच पा रहा था उस जगह तक पानी पहुँचेगा, और जो मैल है उसको डिटर्जेंट खींच लेगा अपने साथ जोड़ के असंजक बल के कारण। बिल्कुल सही है, पृष्ठ तनाव जब कम होगा तो असंजक बल भी कम हो जाएगा, और जिसके कारण जहाँ जहाँ यानी शुद्ध जल जो है वो नहीं पहुँच पाएगा, यानी असंजक बल के कारण वो चिपक जाएंगे, ठीक है, जो जहाँ जहाँ शुद्ध जल नहीं पहुँच पाता है वहाँ असंजक बल के कारण चिपक जाएंगे और कपड़ा जो है आसानी से साफ हो जाएगा, ठीक है। बताइए यदि घोल को थोड़ा गर्म कर दिया जाए, ठीक है तो क्या होगा, और कपड़ा अच्छा से धुल जाएगा, पृष्ठ तनाव जो है और कम हो जाएगा और कपड़ा जो है और अच्छा से धुल जाएगा। यानी आप देखते होंगे जो ज्यादा गंदा कपड़ा हो जाता है ना, उसको बोलते हैं ना इसको गर्म पानी में डुबाओ पहले, तो इसको गर्म पानी में डालिए, जिससे क्या होगा पृष्ठ तनाव कम होगा, इसलिए कपड़ा अच्छे से साफ होगा, ठीक है। इधर से बताएंगे पतली सुई किसके कारण पानी पर तैरती है, पृष्ठ तनाव के कारण। बिल्कुल सही जवाब है, पृष्ठ तनाव के कारण जो है पतली सुई पानी पर तैरती है। ये सभी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, ठीक है, और आए भी हैं। बताएंगे इधर से गरम सूप, यानी जिसको आप क्या बोलते हैं, सूप को हिंदी में क्या बोलते हैं, तरल पेय बोल दीजिए, तरल पेय, जैसे जो पीते नहीं है कहीं मेला वाला घूमने जाते हैं तो उसमें लगा रहता है ना, महंगे लोग पीते हैं, वही सूप जो है यानी स्वादिष्ट लगता है, क्यों, गर्म होने पर पृष्ठ तनाव कम जाएगा, उसके जब खाएंगे तो उसको जीभ पर पूरा फैल जाएगा। बिल्कुल सही है, जब गर्म रहेगा तो पृष्ठ तनाव कम होगा और जीभ पर डालेंगे तो अधिक क्षेत्रफल पर वो फैलता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है स्वादिष्ट लगता है। बताइए शेविंग ब्रश के बाल आपस में क्यों चिपक जाते हैं, पानी से निकालने के बाद, पानी से बाहर निकालने पर क्यों चिपकते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण ही चिपकते हैं। ये सभी जो कथन एवं निष्कर्ष के तौर पर जो क्वेश्चन दिया जाता है ना कथन के रूप में कि बताइए इनमें से कौन सा सत्य है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि इन चार दे दिया जाएगा, बताएगा कि इसमें से कौन सा सत्य है, बताइए आप इसमें से, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। बताइए स्थिर व शांत जल की सतह पर मच्छरों के लावा तैरते हैं, ठीक है, जबकि पानी में क्या डालने पर वो लावा पानी के अंदर डूब के मर जाते हैं, केरोसिन तेल यदि आप डाल देते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण वो लावा जो है अंदर डूब जाते हैं, और अंदर डूबने के बाद क्या होता है उनको श्वास लेना बंद हो जाता है, जिसके कारण शोषण के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इधर से बताएंगे लाइट चला गया, चलिए चलिए जल्दी लगाइए, जल्दी लगाइए, लाइट का नाम लिया अभी अभी जस्ट कट ही गया, चलिए शुरू हो गया। ग्रुप नंबर ए से सवाल होगा कि वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है, पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। ये क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इधर से बताएंगे तेल का पृष्ठ तनाव और पानी का पृष्ठ तनाव दोनों में किसका कम होगा, तेल का, ठीक है, तेल का पृष्ठ तनाव जो है कम होगा, पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होगा, लेकिन जब उसमें डाल देंगे पानी में तो पानी का पृष्ठ तनाव कम कर देगा, ठीक है, वो भी पूछिए। तो चलिए आज का जो दिया गया था अगला है हमारा केशिकत्व, यानी कैपिलरिटी है, अगला टॉपिक कैपिलरिटी है, और कल कैपिलरिटी दे दिया जाएगा, जिसमें यानी आज ही दे दिया जाएगा रात में, तो कल ये टॉपिक जो है शायद खत्म हो जाएगा जो मैकेनिक का है पूरा, तो इसके बाद जो है यूथ का प्रथम, यानी मुझे तो यही अच्छा लगता है, फिर भी आप लोग जिद कर रहे हैं तो चलिए यूथ का भी शुरू करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव काफी अच्छा दिया गया है, ठीक है, तो कल के बाद जो है यूथ का शुरू किया जाएगा। फिलहाल आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और कैसी लगी आपको आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं बनता है आप पर्सनली जो एडमिन है उनके ओर भेज दीजिएगा, वो आपको सॉल्व करके भेज देंगे, ठीक है, चलिए।